कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। चलिए अगला देखते हैं, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, क्या होता है? वो होता है कैल्शियम। यह दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसाम्यता के कारण होता है? तो ये WBC RBC के कारण, लाल रुधिर कोशिकाओं के कारण, रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत मूंगफली और सोयाबीन है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी है। अगला है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है? तो सीमेंट और अस्थियों में कैल्शियम समान होता है। अगला है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, जिसे हम हिंदी में लोहा कहते हैं। अगला है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध रक्त थक्का से है। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है तो उसको मामूली चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्त निरंतर बहता रहता है। चलिए आप देखते हैं, अगला है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन का घनत्व कितना प्रतिशत है? तो 50%। अगला है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मात्रा आयरन की होती है। अगला है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। चलिए अगला है, मूत्र के खरवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो मूत्र के खरवण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो कौन सा है? एंटामीबा। अगला है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोला के छोटा होने से। अगला है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जीवाणुओं के कारण होती है। अगला है, जिसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो वह क्या है? यानी कि एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एच आई वी एड्स। अगला है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो क्या जाता है? H5N1 से। किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? तो वह फ्लोरीन की कमी से होता है। अगला है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है? तो बेरियम मील का उपयोग आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। चलिए अगला है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय
यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कैंसर जो होते हैं, कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, किसकी? वसा की। जो तले हुए ज़्यादातर भोजन या और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो है कॉपर की। अगला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। चलिए अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो वह होते हैं 20। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला है, पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित। अगला है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त अब कहते हैं? तो वह है धमनी को कहते हैं। अगला है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब ब्लड प्रेशर घट जाता है। अगला है, मानव रुधिर का पीएच है? तो मानव रुधिर यानी ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, यानी हमारा जो ब्लड होता है वो बह क्षारीय होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी घनता होती है? तो वह 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो रक्त में आयरन पाया जाता है। अगला है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वह घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो है छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है यानी कि एक्स का मतलब क्या है? तो एक्स अम्ल है, उसे कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही हमारे शरीर में पाचन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है, क्रेव्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेव्स चक्र में पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है।
अगला है, मानव शरीर में खून के अशुद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं, मानव शरीर में खून की शुद्धि की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो यह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह यकृत है। यकृत ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। अगला है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त यानी कि बाइल जूस, ये यकृत से निकलता है। और पित्त यानी बाइल जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है, क्या होता है, 120 mm बाय 80 mm, ये स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर है। अगला है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो यह 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। अगला है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 2 अरब बार धड़कता है। अगला है, मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन यानी कि लोहा। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। अगला, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC का महत्वपूर्ण घटक है। अगला है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो यह लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, तो वह प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो वह WBC। यह कोई भी बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होने के बाद उसे हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं। अगला है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो RBC का कब्रिस्तान एस्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। अगला है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यह यकृत। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो यह बोन मैरो के द्वारा, अस्थि मज्जा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या कैसी होगी, तो यह बढ़ेगी। अगला है, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ WBC जिन्हें कहते हैं, इनका मुख्य कार्य है, तो इनका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना।
यानी कि किसी भी रोग से लड़ना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह कशेरुक रज्जु में है। अगला है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यह यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह अवटु ग्रंथि होती है। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसकी कुसंग क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो यह अवटु ग्रंथि। अगला है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो यह हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला है रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट, या इन्हें हम कहते हैं टी सेल, निर्मित होती है, इनके द्वारा होती है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला है आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। अगला है मानव के श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का व्यास कितना होता है? तो यह 007 mm इनका व्यास होता है WBC का। अगला है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन का प्रयोग वृक्क के लिए करते हैं, वृक्क यानी कि किडनी के लिए। अगला है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है, निषेचन का होता है गर्भाशय में। अगला है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का। अगला है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, कहाँ होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल से। अगला है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो यह पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी के लिए हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अगला है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह बीजांडसन के द्वारा। स्त्रियों की नसुंदी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी।
अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH, इसे TSH हार्मोन कहते हैं। अगला है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा होता है। अगला है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त पे कितनी होनी चाहिए? 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस शरीर प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। अगला है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह अब टू यानी कि थायराइड अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रिनलिन कहते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन कहलाता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो यह दंतवाल यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वह सबसे कठोर है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने का साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। अगला है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो है 4% होती है। अगला है, हृदय वंचित है, तो हृदय वंचित ऐच्छिक पेशी है। अगला है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो है तलवे पर, तलवा जो होता है हमारे पैर के नीचे का तलवा, उसमें सबसे मोटी त्वचा होती है। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को कहते हैं। अगर पूछे कि मानव शरीर में यानी मानव शरीर के अंदर, तो वह यकृत को कहते हैं, यकृत को कहते हैं मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जय हिंद जय भारत।